दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच कल एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बैटिंग करने आई पंजाब की टीम बहुत ही शुरुआत अच्छी रही, जहां पर शिखर धवन 86 रन बनाए और प्रविनव सिंह की बात करें तो 60 रन बना दिए। जितेंद्र शर्मा लास्ट में 27 रन बनाए 16 गेंदों पर। इन सभी पारियों की बदौलत पंजाब ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया, 20 ओवरों में कुल 197 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, यह लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के लिए इतना आसान नहीं था, जिसके लिए वह सही भी साबित हुआ। दोस्तों, बाद में बैटिंग करने आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहां पर जोस पटेल चोटिल हो जाने के कारण पहले ओपनिंग करने नहीं आते। ओपनिंग करने आते यशस्वी जायसवाल और रविचंद्र अश्विन, उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रहती है। बात करें अगर यशस्वी जायसवाल की तो बहुत ही जल्दी पॉलिन लौट जाते हैं और 0 रन बनाकर रविचंद्र अश्विन भी पॉलिन लौट जाते हैं। इनके बाद आते हैं कैप्टन संजू सैमसन, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 42 रन बनाए। सिमरन हेटवायर ने अच्छी प्रदर्शन करते हुए 36 रन बनाए। ध्रुव जुएल ने 32 रन बनाए, लेकिन इनको जीत नहीं दिला सके। दोस्तों, इस मैच के हीरो रहे नाथन लियन्स ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे और शिखर धवन को 4 रनों का अवार्ड भी मिला। दोस्तों, अगर धवन को आप बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब